हाय गाइस, नमस्ते गेम चोन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूं, जो मेरे लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहा है, आई होप आपके लिए भी रहे। तो मैं आज मॉर्निंग में क्या क्या करूंगी वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ और 6 बजे मैं सबसे पहले तो मेरे भगवान का नाम लेती हूँ। एक मैं श्लोक बोलती हूँ जो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। आपके जो भी भगवान है उसका नाम लेके आप सुबह की स्टार्टिंग कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा दिन एकदम ब्यूटीफुल, एकदम मस्त और एकदम स्पिरिचुअल रहे। उसके बाद मैं अपना जो रूम है उसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और गाइस, ये जो रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, बहुत ही मेरे लाइफ को चेंज कर दिया है और बहुत ही पॉजिटिविटी मुझे मिली है ये रूटीन फॉलो करने से। और ये वाला जो रूटीन है ना, वो मैं 2 मंथ से फॉलो कर रही हूँ। आप भी ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपका जो पूरा दिन है वो भी एकदम ब्यूटीफुल रहे। और अभी नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप ये वाला रूटीन फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, आप जो चाहे वो आप पा सकते हैं। एंड गॉड ब्लेस, आप जो भी चाहे, आपकी जो भी इच्छा है वो गॉड पूरी करे। अभी 6 बजे है ना, तो अभी थोड़ा सा अंधेरा है और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुबह में जल्दी उठना। सुबह में जल्दी उठने से बहुत ही फ्रेश फील होता है और पूरा दिन बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ और किचन में जाके मैं 1 चम्मच 1 स्पून हनी ले लेती हूँ, जिससे हमारा पूरा दिन हम अच्छी अच्छी बातें करें और मीठी मीठी बातें करें। उसके बाद मैं थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करती हूँ और गर्म पानी के साथ उसे पी लेती हूँ। गाइस, ये रूटीन फॉलो करने से ना आपका जो पूरी बॉडी है ना वो डिटॉक्स रहेगी और ये वेट लॉस में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और मैं ब्रश किए बिना ही गर्म पानी पीना प्रेफर करती हूँ, आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो गाइज, आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे ही होंगे, उसमें ये रूटीन और ये वाला रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और ब्रश करते करते मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, छोटी सी बात, कि आपको पता ही होगा कि मुझे है ना थोड़ी बहुत डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो ये रूटीन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है डिप्रेशन को दूर करने में। अब मैं टेरेस पे जाती हूँ और टेरेस पे जाके मैं क्या करूँगी वो आप देख लीजिए। ये वाला जो रूटीन है ना गाइस, मैं डेली फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वॉक करके जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत हमारे जो पैर है उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो चलिए हम करेंगे सबसे पहले सन गेजिंग। तो सन गेजिंग करने से सबसे पहले तो हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये मदद करता है, और मैंने सुना है कि ये वज़न घटाने में भी मदद करता है, बट आई डोंट नो, इसके लिए मैं नहीं करती हूँ। बट सन गेजिंग करने से आपकी जो आइज़ है, आपका जो माइंड है वो क्लियर रहता है, और डिप्रेशन की प्रॉब्लम में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको सन गेजिंग करना है तो सबसे पहले आपको सनराइज़ के टाइम करना चाहिए, जैसे ही सूरज उगता है। तो यहाँ पे 7:15 से लेके 7:30 तक मैं सन गेजिंग करती हूँ। सन गेजिंग करने के बाद ही मैं करने लगती हूँ मेडिटेशन। तो दोस्तों, वैसे तो मैं 20 से 25 मिनट तक मेडिटेशन करती हूँ अपनी आंखें बंद करके। आपका जो ध्यान है ना वो पूरा आपको थर्ड आई, यानी कि आपकी दोनों आईब्राउज के बीच में लगाना है, ठीक है। और अगर आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन वाली म्यूज़िक ले लीजिए, आंखें बंद करके आपका पूरा जो ध्यान है वो थर्ड आई पे लगाइए, जिससे आपका जो माइंड है वो क्लियर होगा। मेडिटेशन टेंशन को दूर करने में हेल्प करता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उसे भी ये दूर करने में मदद करता है, बहुत सारी बीमारियों से ये आपको बचा सकता है, नेगेटिव थॉट्स को आने से रोकता है, पॉजिटिविटी बढ़ाता है, बहुत 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 सारे फायदे हैं। गाइस, आप एक बार ट्राई तो कीजिए, अगर नहीं कर रहे हो तो एक बार ट्राई कीजिए मेडिटेशन करना। पहले पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी,
बट आप जब से मेडिटेशन स्टार्ट करोगे ना, उसके बिना आप नहीं रह पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेडिटेशन हो जाने के बाद तुरंत आपको आईज ओपन नहीं करनी है, हाथों को अच्छे से रब करके थोड़ा सा वार्म करना है और आँख ऊपर आपको लगाना है, और उसके बाद धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। उसके बाद आप आपका काम स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, आपका काम आपको तुरंत स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा सा रिलैक्स रहना है आपको। उसके बाद मैं करती हूँ सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग, योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी आप कर सकते हैं। गाइस, सूर्य नमस्कार के भी बहुत ही अच्छे अच्छे फायदे हैं। वजन कम करने में भी मदद करता है, को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करता है। अगर आपको कोई भी पेट की बीमारी हो तो आपका जो पाचन तंत्र है उसमें भी ये हेल्प करता है क्लीन करने में। और गाइस, एक अच्छी बात बताओ, ये स्किन के लिए और बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो आप आपकी पसंद के सूर्य नमस्कार या फिर स्ट्रेचिंग या फिर योगा एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इसे बिफोर बाथ या फिर आफ्टर बाथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिफोर बाथ कर लेती हूँ। तो आप सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करें, या फिर ये पॉसिबल नहीं रहा तो आप आपके घर में भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आप कम से कम 10 सूर्य नमस्कार करें, या फिर आप बिगिनर्स हैं तो आप 2 या 3 सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब तो बादाम भिगो के रखी थी रात को, तो 5 बादाम मैं छिल के खा लेती हूँ। इसके बाद मैं चाय पीती हूँ, और चाय के साथ मैं खाती हूँ थेपला या फिर कोई भी घर का नाश्ता हो वो मैं खा लेती हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि चाय हेल्दी नहीं होती है, बट एक ऐसी ही चीज़ है जो मुझे बहुत ही पसंद है। तो अनहेल्दी भी हुई, बट आई लाइक चाय। किस किस को चाय बहुत पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चाय पीने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने। तो नहा लिया है, यहाँ पर मैंने बाथ ले लिया है। अब मैं अपने हेयर में थोड़ा सा सीरम अप्लाई करके बालों से टैंगल रिमूव करके और बालों को थोड़ा सा सुखा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो चल रही है ना, तो बालों को सुखाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा ड्रायर का यूज़ नहीं करती हूँ, और अगर ज़्यादा ड्रायर का यूज़ भी कर लेती हूँ तो बाल नीचे से ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो मैं बालों की केयर भी उतनी ही करती हूँ। अगर आप मेरा हेयर केयर रूटीन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं आपके साथ विंटर हेयर केयर रूटीन, जो मेरा करंट हेयर केयर रूटीन है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो हेयर सूख जाने के बाद, सुखा लेने के बाद मैं स्किन केयर रूटीन करती हूँ, और स्किन केयर रूटीन का वीडियो, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा, तो दिया जला लेती हूँ, भगवान की पूजा कर लेती हूँ, भगवान से अपने सारे विशेष मांग लेती हूँ और भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू गॉड मेरा दिन अच्छा बनाने के लिए। तो गाइज, आज जो मैंने वेयर किया है ना, वो मेरी जो फ्रेंड है रिद्धि, उसकी ब्रांड का मैंने वेयर किया हुआ है। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक हो, और इसे बनाने के लिए वो कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करती है। तो उसकी ब्रांड की जो लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लूँगी, एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। तो उसके बाद मैं बुक पढ़ लेती हूँ। गाइस, अब कोई भी बुक आपकी पसंद की, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, 2 पेजेस 3 पेजेस 1 पेजेस, क्योंकि बुक पढ़ने से हमारा माइंड क्लियर रहता है और यू नो हमें नई नई नॉलेज भी मिलती रहती है। तो आप कोई भी आपकी पसंद की बुक पढ़ सकते हैं। यस, तो गाइस ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको मेरा डाइट प्लान भी देखना है, मतलब मैं क्या क्या खाती हूँ, अगर वो भी आप देखना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।